दोस्तों अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बन के काम करो, रात को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा अनहेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो और अपने आप को मिरर में मोटा और भद्दा होते हुए देखो और अपनी लाइफ बर्बाद करो। या फिर सेकंड चॉइस, ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखो और ये 15 सिंपल हैबिट्स को सिर्फ 21 दिनों के लिए फॉलो करो और 2024 आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो, सबको हैरान कर दो, यहाँ तक कि खुद को भी हैरान कर दो कि यार ये बंदा है कौन। जिंदगी आपको सिर्फ 2 मौके देती है, या तो भाग लो या फिर भाग लो। अगर आप कायर हो, लूजर हो और फट्टू हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो या बंद कर दो। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, हिम्मत है आप में, तो एक कोने में चले जाओ और अपने 100% अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। अगर आप तैयार हो तो कॉमेंट कर दो आई एम रेडी। आज मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, 200 से ज्यादा बुक्स, काउंटलेस आर्टिकल्स और हजारों यूट्यूब वीडियोस से सीखा हुआ ज्ञान इस वीडियो में डालने वाला हूँ। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मेरी गारंटी है कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट का ROI भी तगड़ा होगा। गौर गोपाल दास जी अपने बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट में कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। और ऐसा करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है हैबिट्स से। जी हाँ, आप अपनी हैबिट्स में चेंज लाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 21 दिन तक ये हैबिट्स को आंख बंद करके फॉलो कर लेना और फिर कंपेयर कर लेना कि आप 21 दिन में कितने ग्रो हो गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपना बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को जस्ट 5 मिनट जल्दी लगाओ। यानी अगर आप 9 बजे उठते हो तो कल का अलार्म 8:55 का लगाओ और परसों का अलार्म 8:50 का और उसके बाद का अलार्म 8:45 का। ऐसे डेली 5 मिनट कम करते जाओ, कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वो क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी हो, फिल्मों के शाहरुख खान हो, या टेनिस के राफेल नडाल, या कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखो। इस जिंदगी में जितना भी आप नया सीखते हो वो कभी ना कभी आपको जरूर काम आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपने के बारे में वो हर उस बात को जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपने से और करीब ले जाती है। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, बट द पॉइंट इज रोज कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। हो सकता है कि आप इस प्रोसेस में कुछ ऐसा सीख जाओ जो आपको ग्रेटेस्ट हाइट्स पर पहुंचा दे। यू नेवर नो, सो ऑलवेज कीप लर्निंग। नंबर 3, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, किस लिए? ताकि वो सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी कुछ नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के ना पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना, तभी उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तब वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है, उसके अंदर के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं जिससे वो टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन से भी इजीली डील कर जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है MS धोनी। तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, जी सर, हाँ जी करते रहें। आप एक अलग इंसान हो, आपके सपने अलग हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी अलग होगा। आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इमीडिएटली मना कर दो। नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्गर रन में नुकसान आपका ही है। इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में आपकी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है और आपको चीजों पर डिसएग्री करके ना बोलने का पूरा हक है, हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो आपको आपके सपने से दूर ले जाता है। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो मना करना सीखो। अगर आपको इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मना करना सीखो कि मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है पापा। दोस्तों को मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो, बट लॉन्गर रन में आप अपनी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क।
इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का रिस्क जहां पर आप आज हो। दोस्तों, अपने दिल से रिस्क लेने का डर निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या ये वो। क्योंकि सच कहूं तो इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ तीन चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो पाना कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको खो भी दो या ना भी खो तो भी आप बूढ़े होकर मौत के गले तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा गोल एक लूजर या एक डरपोक इंसान रहकर मौत के गले तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट एक असली वॉरियर की तरह हर चुनौती का सामना करते हुए हर तरह का रिस्क लेकर कुछ वर्थवाइल क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप लोगों और अपने आप दोनों को फायदा करवा सको। नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। क्या आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत बैठकर अकेले इस बारे में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पर हो और आगे आपको कहां पर जाना है, आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। मान लो अगर कोई इंसान आपको समझ भी सकता है तो जो फीलिंग्स अभी आपके मन में चल रही है ना, इस वक्त उसको आपके अलावा कोई भी और महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली योर थॉट्स, ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दो। इन 10 मिनट्स में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, ना कोई स्मार्टफोन हो, ना कोई बुक आपके आसपास हो, कोई काम ना हो, अगर हो तो केवल आप और आपके थॉट्स। उस वक्त आप पूरा अकेले रहो और सिर्फ खुद से बातें करो, खुद के हाल चाल पूछो कि हाउ आर यू डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूँ तो सही तेरा ख्याल रखने वाला। आई नो दिस माइट साउंड क्रेजी, लेकिन मुझे जज करने से पहले आपको ये ट्राई करना होगा। नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं, ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से कई गुना बेटर है कि आप एक कोई डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आप उसके बाद मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका डिसीजन लेने और एक्शन करने का बीच का जो टाइम गैप होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहता है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग तो सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, ना ही उसके आगे निकल सकते हैं। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम को करते हुए आपको चलना चाहिए। समय के फ्लो में एक बार अगर आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहली वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है यार, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को खुदा स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारे रिवर्स गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से ये हमारे जीने का प्रोसेस नहीं चल रहा है, बल्कि ये हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सब लोग जी जी कर मर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, उठ और मेहनत कर। नंबर 9, इग्नोर अननेसेसरी ट्रबल्स। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आए, अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप भी करना है तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, या अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो आप उसे हटाओ अपने मोबाइल फोन से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है तो हट जाओ उस ग्रुप से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ही ग्रुप क्यों ना हो, व्हाट्सएप का ग्रुप या कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़ो अपनी 9-to-5 जॉब को और काम करना शुरू करो अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी अननेसेसरी ट्रबल्स आपने पाल रखे हैं ना, उनको हटाओ यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे ना तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नंबर 10, स्पेंड मनी वाइजली।
आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठाकर देखो, ऐसे कितने सारे आइटम्स है जो आपने जोश में आकर खरीद लिए पर अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद सिर्फ दो चार बार ही पहने। जब भी आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से ये कहो कि ये चीज तो मैं खरीद लूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना, जो आपको फालतू चीजें खरीदने वाले डिसीजन है ना, वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ यार, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा आप बचा रहे हो ना यार, उसे इन्वेस्ट करो और फिर वहां से जो पैसा है आप उससे खर्चे निकालो। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया उससे अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में ये चीज आपको एक वेल्दी इंसान भी बना देगी। यार ये जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, किसी भी दिन जब आपको पैसों की इंपॉर्टेंस समझना होना तो सिर्फ एक महीना बिना पैसे के निकाल कर दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा। क्योंकि बिजली का बिल, दूध का बिल, बाइक का EMI और ना जाने कितने खर्चों का एंड आपके पैसों से ही होता है। सो प्लीज स्पेंड योर मनी वाइजली। नंबर 11, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल एंड इग्नोर द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। किसी महान इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मुझे मिलवा दो जिनके साथ आपको उठना बैठना है और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके आसपास कैसी कंपनी है उसका आप पर बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी या नेगेटिविटी या बुरी चीजें ही दिखती हैं तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बारिश और बारिश में गर्मियां। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश होने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से अपने आप को रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरे साथ ही ऐसा ही होना था क्या। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को इग्नोर किया है, तो आपको भी यही करना है। नंबर 12, लर्न टू जर्नल। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको नोट कर लो। अगर आपके पास कुछ भी प्लान्स हैं तो उन्हें नोट करना सीखो। एक डायरी बनाओ या फिर आपके फोन में नोट्स ऐप को डाउनलोड करो और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स बनाना शुरू करो। जी हाँ, आपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में आपको जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सभी चीजों को लिखो जो आप अपने पास 5, 10, 20 साल में देखना चाहते हो। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हो, किस लेवल पर बिताना चाहते हो, उसके बारे में लिखो। आज अगर आप में कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीनों में जीतना चाहते हो तो आप उनके बारे में भी लिखो। जब मेरे मन में किसी वीडियो का बनाने का आइडिया आता है तो मैं भी उसे तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार अगर कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो वो गया। सो स्टार्ट जर्नलिंग। नंबर 13, स्टे फिट एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ईट लेस, मूव मोर। डेली का 1 घंटा एक्सरसाइज करना ना सिर्फ आपको फिट बनाएगा बल्कि आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ोगे। तो हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाओ, कैलोरीज बर्न करो, मेडिटेशन करो, योग करो और सारी बैड हैबिट से दूर रहो। नंबर 14, कीप स्माइलिंग। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अपनी लाइफ में फ्री में दुख इनवाइट करेगा भाई, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भूल जाए। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम 24 घंटे दांत दिखाते रहो। मुस्कुराने का मतलब ये है कि आप हर वक्त खुश रहो, पॉजिटिव रहो। हमेशा ये सोचो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत लकी हो और आपकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है। और कोई कमी है भी ना तो आप पूरी कर सकते हो, विच मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो दोस्तों, ये थी 14 मोस्ट सिंपल येट पावरफुल हैबिट्स जो आपकी लाइफ में एक मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि 15th हैबिट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट लगती है जो कि इन 15 हैबिट्स के लिस्ट में ऐड हो सकती है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।